कुछ ही देर में जीवन लोक का सुरक्षा कवच उठ जाएगा और उसके उठते ही मेरे अमर होने का सपना हमेशा हमेशा के लिए पूरा हो जाएगा। दगड़दुम दगड़दुम दगड़दुम। लेकिन छल परी, आपको कैसे पता चलेगा कि सुरक्षा कवच हट गया है? हाँ, ऐसे इसे पहनकर सुरक्षा कवच के हटने का पता चल जाएगा। ये लो। इसे गोबा गोबा को दो। देख, बता ठीक से। गोबा गोबा, तुम इसके जरिए सुरक्षा कवच को हटते हुए देख पाओगे। नया सुरक्षा कवच तैयार रखना, पुराना सुरक्षा कवच अब हटने ही वाला। जी। हट गया सुरक्षा कवच। डुबा डुबा एक, नया सुरक्षा कवच लाओ। ये लीजिए। जीवन लोक का सुरक्षा कवच अब पूरी तरह हट चुका है। अब वक्त आ गया है कि मैं अंदर जाऊं और विचित्र गुप्त पर हमला करकर जीवन आत्माओं को अपने कब्जे में करूं। तैयार हो जाओ विचित्र गुप्त, बुराई के सुरों की रानी छल परी आ रही। अब मैं बन जाती हूँ लोहे का गोला, ताकि टकरा कर मुझसे टूट जाए जीवन लोक का मजबूत द्वार। नहीं 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 नहीं, छल परी मुझे बन जाइए आप आग का गोला, ताकि टूटे भी नहीं और पिघल भी जाइए दीवार। दगड़दुम दगड़दुम। नहीं नहीं चल परी, आप अग्निमुखी विस्फोटक यंत्र बनिए। विचित्र गुप्त जी, हो नहीं रहा सूर्य सुरक्षा कवच, अब कीजिए कुछ। डुबा डुबा एक, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। वहां देखो, एक मिनट के बाद ये खुद ही शुरू हो जाएगा। अरे हाँ, बताया था मुझे बालपुरी ने। लेकिन विचित्र गुप्त जी, इस एक मिनट में क्या जा नहीं सकते बाहर कोई जीवन आत्मा, या फिर आ नहीं सकती बाहर से कोई बुरी शक्ति? एक मिनट बहुत कम समय होता है, और इस एक मिनट में जीवन लोक को कोई खतरा नहीं। वैसे भी ये सुरक्षा कवच कई सौ सालों के बाद हटता है, और ये कब हटता है किसी को नहीं पता, इसलिए सुरक्षित है। घर में। वाह बाबूजी वाह, गर्मी हो रही है। अरे ना, अरे बापरे, कमरे में इतनी गर्मी है कि पसीना पसीना हो गया। ये देखो, अरे इतनी गर्मी है कि फ्रिज में बर्फ पिघल गई है, अब छाछ कैसे बनाऊं? बोले माँ, इतनी गर्मी है, ये गर्मी की वजह से दो मिनट पूजा पाठ भी नहीं हो पा रहा है। गर्मी पड़ रही है, पसीना आ रहा है ना, पसीना।
देखा राग गर्मी का कमाल देखा, सारे घर में गर्मी आ रही है। ओ बापूजी, आपको क्या लगता है आपके गर्मी राग गाने की वजह से ये गर्मी हो रही है? अरे नहीं बापूजी, आपके गर्मी राग की वजह से गर्मी नहीं हो रही है। अरे लाइट चली गई इसलिए गर्मी हो रही है। क्या आप खड़े क्या है, जाइए ना इलेक्ट्रिशियन को बुलाइए। हमें जा जा जा। बाबूजी, हो सकता है कि मेरे राग गर्मी के वजह से बिजली चली गई हो। तुझे राग बिजली सुना? नहीं नहीं बाबूजी, मैं जा रहा हूँ। तुम दोनों की बहस में एक मिनट का समय गुजर जाएगा और मैं जीवन आत्माओं को अपने कब्जे में भी नहीं कर पाऊंगी, और ये मेरा आखिरी मौका है, इसीलिए मैं आग का गोला बनूंगी। शायद सुरक्षा कवच के शुरू होने की वजह से लगा होगा। हाँ है फिल्टिक। विचित्रगुप्त जी, हो गया मेरा कार्य पूरा, दीजिए मुझे आज्ञा जीवन लोक से जाने की। जाओ डुबा डुबा एक, बालपरी को मेरी तरफ से धन्यवाद कहना और बालवीर को कहना कि वो मुझसे आकर मिले। जी जरूर। क्षमा चल परी, क्षमा। क्या क्षमा? तुम दोनों की वजह से मैं अंदर नहीं जा पाई, बहुत कड़ी सजा मिलेगी तुम्हें इसकी। माना हुई है गलती हमसे, माना, लेकिन सुरक्षा कवच के होते हुए जा सकता है वो डूबा डूबा एक, मामूली डूबा डूबा एक अंदर, तो आप क्यों नहीं जा सकती वहां? बोलिए। क्योंकि वो सच्चाई का साथी है। सच्चाई का साथी, और जरूर परियों ने उसे कोई प्रवेश चिन्ह दिया होगा जिसे देखकर जीवन लोक का द्वार अपने आप खुल गया। तगड़ दुम। लेकिन चल परी, आप भी पा सकती हो प्रवेश चिन्ह। बात तो सही कही है तुमने गोबा गोबा, भले ही जीवन लोक पे सुरक्षा कवच फिर से लग गया, लेकिन मैं परी लोक जाकर प्रवेश चिन्ह तो पा ही सकती। अब मैं परी लोक जाकर प्रवेश चिन्ह लाऊंगी और बिना तारीख पड़ी हुई जीवन आत्माओं को यहाँ से हासिल करके ले जाऊंगी। अब ऐसे ही बातें करती रहेगी या फिर मतलब हो जाएगी देर, आपको जाना होगा परी लोक प्रवेश चिन्ह पाने के लिए। ये घर वाले है? ये घर वाले समझते क्या है कि मुझे संगीत नहीं आता? हाँ, मेरे मतलब हाँ, ऐसा थोड़ी ना होता है। क्या गाना? नहीं नहीं, ऐसा कैसे घर वाले सोच सकते हैं कि आपको गाना गाना नहीं आता? इसीलिए मैंने सोच लिया है कि क्या गाना गाना छोड़ देंगे? नहीं, गाना कैसे छोड़ता हूँ, गाना गाने से तो मुझे खुशी मिलती है, तो दूसरों को दर्द है? नहीं नहीं बाबूजी, मैं कह रहा था कि कहीं बैठते हैं, यहीं बैठते हैं।
हाँ यहाँ बैठते। आजा बेटा। हाँ बाबूजी। ये लीजिए बाबूजी। बेटा घर वाले भले ऐसा समझते हो कि बिजली जाने की वजह से गर्मी आई थी, लेकिन आज यहाँ पे मैं राग बारिश गाऊं जिससे यहाँ पे बारिश हो। अरे वाह बाबूजी बाबूजी, तो फिर क्या वो कोल्ड ड्रिंक बरसाने वाला राग गाएंगे? मुझे बहुत प्यास लग रही है। बेटा अभी है ना, तुम मेरे संगीत से अपनी प्यास बुझाओ। ठीक है जरा। बेटा माँ घर पे है। बारिश बारिश बूंदे बरसे। अब ये क्या है? बिजली। बेटा बारिश हो रही है। हाँ बाबूजी बारिश हो रही है। यार राग बारिश का कमाल देखा। आ? ये बारिश सिर्फ हम दोनों में क्यों हो रही है? क्योंकि बाराग बारिश हम गा रहे हैं। मोंटू जी, मोंटू जी, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। ठीक है, अब मैं तुम्हें इस कलर के डिब्बे के अंदर डुबाऊंगा और फिर मैं कहूंगा सॉरी मानो, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। पकड़ो उसे। अरे अरे जितना भागना है भाग ले मानव, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मानव रुक रुक रुक, मैं अब रुकने का वक्त नहीं है क्योंकि मोंटू मेरे पीछे पड़ा है। क्या हुआ? मैं तुझे बाद में बताता हूँ, चल चल। पर मानव बिल्कुल बिल्कुल अच्छा नहीं था। क्या आपका संगीत? नहीं, मुझ पर पानी गिरना। मैं तो कहती हूँ मिट्टी डालो। किस पे? बापूजी पे? नहीं नहीं वो उस पे। आप भी ना, आप पर इतनी बारिश गिरी फिर भी आपका संगीत का नशा उतरा नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं, ऊपर से मेरा जज्बा और भी बढ़ गया है संगीत सीखने का। क्योंकि मगर वो नटखट जीवन आत्मा अभी तक सामने नहीं आई जो बार बार यहाँ से भागने की कोशिश कर रही। टुकड़ा, ये तो उस कवच का कांच है जिसके अंदर मैंने नटखट आत्मा को रखा था। अगर वो कवच टूट चुका है तो नटखट आत्मा कहाँ है? वाह कितना अद्भुत दृश्य है। आ रहा है मुझे बहुत मजा। शुक्रिया चुलबुली तितली, अलविदा।
अलविदा। खुश रहो बालवीर, खुश रहो, खुश रहो परियो, खुश रहो, खुश रहो डुबा डुबाई, खुश रहो डुबा डुबाई। विचित्र गुप्त जी को सुरक्षा कवच दे आए। हाँ लगा मुझे बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही आधुनिक और भव्य है जीवन लोग, लेकिन सबसे अनोखी चीज थी वहाँ पे एक जीवन आत्मा। एक जीवन आत्मा? सिर्फ एक जीवन आत्मा क्यों? एक जीवन आत्मा इसलिए क्योंकि वही एक जीवन आत्मा कर रही थी बार बार कोशिश जीवन लोग से भागने की। ये क्या है? इससे पहले तो इसे परीलोक में कभी नहीं देखा। पर वो जीवन आत्मा जीवन लोक से भागने की कोशिश क्यों कर रही थी? वो नहीं पता मुझे, लेकिन कह रही थी कि है घूमना मुझे एक लोक नहीं बल्कि तीनों लोक। अब भला हो सकता है ऐसा कभी? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन शायद ऐसा हो गया है परी। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो बालवीर? हाँ क्या वो आत्मा नीले रंग की है? हाँ। क्या वो इधर उधर ऊपर नीचे उछलती रहती है? हाँ। लेकिन तुम्हें कैसे पता बालवीर? वो तो है जीवन लोक में। वो जीवन आत्मा परीलोक में है? वो देखो। अरे कहाँ है वो जीवन आत्मा बालवीर? अभी तो यही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। बालवीर यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा, कहीं पृथ्वी लोक पर रहते रहते तुम भी उन्हीं की तरह झूठ तो नहीं बोलने लग गए? बालवीर सच्चाई और अच्छाई का प्रतीक है और वो कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ बालवीर, लेकिन अगर तुमने उनको देखा है तो वो कहाँ है? वो रहा आपके पीछे। पक्का उस जीवन आत्मा को यहाँ देखा था? हाँ वो जीवन आत्मा यही थी। पर बालवीर कहीं तो हमें परेशान करने के लिए कोई खेल तो नहीं खेल रहे हो? बताओ बालवीर, क्योंकि इस बार भी यहाँ कोई नहीं है। चलो माना, माना कि आप झूठ नहीं बोलते, तो क्या आपने भी दिन में सपने देखने शुरू कर दिए हैं? अरे नहीं नाराज परी, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि बालवीर हमारे साथ शरारत कर रहा हो, और इसमें क्या बुराई है? अरे नटखट परी, आपने बिल्कुल सही कहा, आखिर बालवीर एक बच्चा ही तो है ना, और बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नहीं मैंने झूठ बोला है और नहीं मैं मजाक कर रहा, वो जीवन आत्मा यहाँ है परीलोक में, और मैं उसे ढूंढकर पकड़कर ये बात साबित करके रहूंगा। क्या कर रहा है? हाथ में नहीं लेने का। चुप। बड़े मजे से खेल रहे ना मानो में। अब देखना उन्हें कैसे मजा चखा था। बॉस इन्हें मजा चखाने से अच्छा आप लोग पिज्जा बर्गर चखा दो ना। पिज्जा बर्गर वो भी चखा दो। अब सही हो बॉस, अब मानो मेरे को मजा चखा। इस बार मानव तुम मेरे निशाने से बच जाओ, लेकिन अगली बार नहीं बचेगा। बचेगा मतलब बॉस देखो ना, मानव इधर उधर भाग रहा है। भागने दो, भागना है भागने दो, लेकिन मैं उससे ये बास्केटबॉल मार कर रहूंगा, जाकर बॉल लेकर आऊंगा।
Very good. Jump. Jump. Yes. किसने मारा? कौन है? मोंटू? Come here. I said come here. Fast. Sorry. Sorry sir. हमेशा गलती करता और फिर सॉरी बोलता है. आज तुझे बराबर पनिशमेंट मिली. सॉरी सर. आगे से ध्यान रखना. समझे? समझे. समझ गए. हंसना बंद करो. बॉस बहुत कोशिश करते हैं लेकिन आपको देखकर हंसी निकल ही जाती है. तो रोना निकलेगा. आपका नहीं मानव का. इस बार मैं मानव को बास्केटबॉल मार कर ही रहूंगा. रोहित केवल जाकर बास्केटबॉल लेके आओ. इस बार ऐसे ही मारना बस मानव को. लो गई भैंस पानी में. रॉन्ग गया बैल पानी में. ए चुप. दगड़दुम दगड़दुम दगड़दुम. चलिए छल परी ढूंढते हो प्रवेश चिन्ह. हाँ गोबा गोबा मैं भी जल्द से जल्द डूबा डूबा एक से वो प्रवेश चिन्ह लेकर जीवन लोक जाना चाहती. पिछली बार जीवन आत्माओं को पाने में मैं असफल रही थी लेकिन इस बार प्रवेश चिन्ह लेकर जीवन लोक घुसकर मैं जीवन आत्मा को पाने में असफल नहीं रहूंगी. हो गया हो आपका सपना पूरा तो कार्य शुरू करे अपना. मतलब चले परीलोक के अंदर. आजा आजा गोपा गोपा आजा. कहाँ तुम जीवन आत्मा? तुम खुद में खुद मेरे सामने आ जाओ तो अच्छा है क्योंकि तुम मुझसे छुप नहीं सकते. मुझे कोई नहीं पकड़ सकता. तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो लेकिन मुझसे बच नहीं पाओगे. इतना आसान नहीं है बालवीर. मैंने कहा था ना कि तुम मुझसे बच नहीं पाओगे. अब मैं तुम्हें पकड़ के सबको साबित कर दूंगा कि ना ही मैं झूठ बोल रहा था और ना ही मैं मजाक कर रहा था. माफ करना बालवीर लेकिन तुम मुझे पकड़ना तो दूर मुझे छू भी नहीं सकते. अच्छा. कार्य नहीं जो बालवीर नहीं कर सकता. अब देखो मैं क्या करता हूँ. अच्छा.
जीवन आत्मा की करनी है हाथ, उसके आगे बना दो एक दीवार। क्यों, अब मानते हो ना कि बालवीर से बचना आसान नहीं है? मैंने कहा था ना कि तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। परियो, परियो, ये देखिए, यही है वो जीवन आत्मा जो जीवन लोक से परीलोक में आ गई। बालवीर, तुमने बिल्कुल सही कहा था, जीवन आत्मा सचमुच परीलोक आ गई है। देखा नाराज परी, इस जीवन आत्मा को पकड़ना बच्चों का खेल नहीं है। क्या बात है परियो, किस बात पर इतनी हंसी आ रही है? अरे बाल परी, ये देखिए। ये तो जीवन आत्मा है। जीवन आत्मा यहाँ? जीवन आत्मा का परिलोक में होना अच्छी बात नहीं है बालवीर, ये यहाँ कैसे आई? माँ, मैं इसे नहीं लाया, ये खुद ब खुद जीवन लोक से भागकर आई। अभी तक इस जीवन आत्मा पर इसके जन्म और अंत की तारीख भी नहीं पड़ी है। अगर ऐसा है तो ये बात तो बहुत ही खतरनाक है। हाँ गालपरी, ये वाकई बहुत खतरनाक बात है। अगर ये जीवन आत्मा किसी गलत हाथों में पड़ गई तो अनंत हो सकता है। अब कोई नहीं बचा सकता इस जीवन आत्मा को मुझसे। अब मैं लेकर जाऊंगी इस जीवन आत्मा को परीलोक से। मैं इस मानव के वजह से मैं स्विमिंग पूल में गिरा था ना, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। और हम आपको नहीं छोड़ेंगे। क्या? ये इसका मतलब है कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे और हमेशा आपके साथ रहेंगे। वेरी गुड, चलो। चलो निकलो यहाँ से, या अब हम खेलेंगे। नहीं मोंटू, पहले हम ही आए थे तो पहले हम खेलेंगे। एक चिरकुट, तुझे मैंने जितना बोला ना उतना करने, यहाँ से निकलो और हमें यहाँ खेलने दो, समझा? मोंटू देख, मोंटू मेरे पापा जी कहते हैं। क्या कहते हैं? यही कि जब बड़े लोग बात करते हो ना तो छोटे बच्चे को उस टाइम उसे चुपचाप से सुन लेना चाहिए। मानव, तुझे कुछ बोलना है? बोलना? हाँ, मतलब मोंटू आप जाइए खेलिए, हम जा रहे हैं। ए! एक मिनट, हम क्यों जाएं? हम लोग यहाँ पहले आए तो हम खेलेंगे, समझे? लेकिन अगर हमारे हाथ पैर सलामत रहेंगे तो ही तो खेल पाएंगे ना। अरे पर हम लोग पहले आए थे ना। चल यार, ऐसे थोड़ी चल रहा है यार। अब हम यहाँ खेलेंगे। मानव, ओए, निकलो यहाँ से, अब हम यहाँ खेलेंगे। शिंदू से वैसे ही बात करे जैसे आपने मानव को कहा था। क्या खुसर फुसर हो रही, बोला ना निकलो यहाँ से। देखो, हम यहाँ पहले आए थे इसीलिए हम यहाँ खेलेंगे। बॉस, आप तो शिंदू से वैसे ही बोल रहे हो जैसे मानव ने आपको कहा था। सुनाई नहीं दे रहा है तुम लोग को, चलो निकलो यहाँ से। ओके ओके, चल रही चल। रुको, हम कहीं नहीं जाएंगे,
हम यहाँ खेलेंगे। छोड़ दो मोंटू को। बना पीट दूंगी। तुम पीटोगी? हाँ तुम सब भी यहां से निकलो वरना इसके साथ तुम भी। हम कह रहे हो भैया? क्या हुआ बच्चों, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ सर प्रॉब्लम है, ये है प्रॉब्लम। सर ये हमें यहाँ खेलने नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि आज से हम यहाँ अपने मैच की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन हमारे बच्चे हमेशा यही खेलते हैं। हाँ हाँ तो आज से इन्हें ले जाकर इनकी उम्र के स्पोर्ट्स खिलवाइए। या सर आप इन बच्चों को ले जाकर ना झूले झूलवाइए। चलो लल्लू हमें प्रैक्टिस करनी है। नहीं ये कल भी यहाँ खेलते थे और आने वाले वक्त में भी ये लोग यही खेलेंगे। हमारे साथ खेलेंगे? हाँ हम आप सबके साथ खेलेंगे। अच्छा बच्चों तो तुम खेलोगे हमारे साथ? ओ जी हमने ऐसे कब कहा क्या? लेकिन अब हम कहते हैं अगर इस कोर्ट में खेलना है तो पहले हमें मैच में हराना होगा। एंड इट्स अ चैलेंज। जाना है तुम्हें लेकिन सीधे जीवन लोक और रुक जाओ थोड़ी देर, बस आते होंगे बालवीर और बाकी परियां। तभी तो मुझे जाना है और तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। ए रुको। डूबा तो यहाँ पर है ही नहीं। हाँ पर हमने तो उनको जीवन आत्मा के साथ यही आने के लिए कहा था, अभी तक आए क्यों नहीं? हाँ पता नहीं कहाँ गए होंगे। पहले लीजिए संभाल इस नटखट जीवन आत्मा को, लीजिए। कर दिया है मेरा बुरा हाल उड़ा उड़ा कर। अगर तुम ऐसे ही सबको परेशान करते रहोगे तो हम तुम्हें हमेशा के लिए कैद में डाल देंगे। अभी तक जीवन लोक से जीवन आत्माएं हमें नहीं मिली लेकिन अब मिल जाएंगी। अरे बोल पच्चर है, बोल पच्चर आई है अभी अभी हार के लेकिन। संभालो तोबा तोबा खुद को संभालो। कितनी बार कहा है कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में छोटों को नहीं बोलना चाहिए। बराबर है। भयंकर परी माना कि जीवन लोक से जीवन आत्माओं को लाने में मैं असफल हुई मगर एक खुशखबरी की बात ये है कि जीवन लोक की एक आत्मा बिना अंत और जन्म की तारीख पड़ी हुई जीवन लोक से निकल कर परी लोक पहुँच गयी और अब जल्द ही मैं परी लोक पहुँच कर उस जीवन आत्मा को वहाँ से चुरा लूंगी। देखा देखा परी भयंकर देखा, सिर्फ एक जीवन आत्मा, आपका क्या बोलो? तौबा तौबा तुम सच में बेअकल हो।
और एक कभी तो अकल की बात किया करो। वैसे तो मैंने अपनी संगीत की धुन दो जीवन आत्माओं के लिए बजाई थी, मगर अब अगर एक ही तो उसे मैं आपको अपनी दोस्ती के नाम पर उपहार बनाकर दूंगी। अमर आप हो या मैं, जीत तो बुराई की ही होगी। शुक्रिया छलपरी। बस अब एक बार उस जीवन आत्मा को आप अपने अंदर समा लें, फिर हर बुरी शक्ति की जीत हो जाएगी। बालपरी, अगर आपकी आज्ञा हो तो विचित्र गुप्त जी से बात की जाए। हाँ, यही ठीक होगा। चलिए। कैसे खुश रहूं मालपरी? अच्छा हुआ कि आप लोगों ने मुझसे संपर्क किया, मैं बहुत परेशान हूं। हम जानते हैं विचित्र गुप्त जी, आप चिंता मत कीजिए, आपकी परेशानी का हल हमारे पास है। नहीं मालपरी, आपको पता नहीं यहाँ क्या हुआ है। नहीं विचित्र गुप्त जी, हमें पता है कि आपके जीवन लोक से एक जीवन आत्मा भाग गई और वो जीवन आत्मा यहाँ है परिलोक में। ये देखिए, वो जीवन आत्मा पर अभी तक जन्म और अंत की तारीख नहीं पड़ी है, कहीं किसी बुरी शक्तियों के हाथों न लग जाए, इसलिए उसे जल्द से जल्द जीवन लोक लाना पड़ेगा। उसके लिए मैं खुद परिलोक आता हूँ। ठीक है विचित्र गुप्त जी, हम आपका इंतजार करेंगे। ये जीवन आत्मा भयंकर परी के बहुत काम आ सकती है, वो इसे हासिल कर कर अमर हो सकती है और परी लोक पर अपना राज कायम कर सकती है। हाँ, हमें ये खबर जल्द से जल्द भयंकर परी को देनी चाहिए, क्योंकि अगर ये परियां हमें हमारी शक्तियां नहीं देंगी तो हम कौन सा इन्हें चैन से जीने देंगे। भयंकर परी, भयंकर परी। क्या है, क्यों याद किया मुझे? तौबा तौबा, इतने भी बुरे दिन नहीं आए हमारे कि हमें तुम्हें याद करना पड़े। हटो यहाँ से जल्द भयंकर परी को बुलाओ। ए, देखो तुम मुझे बता सकती हो नाराज परी? छल परी, हमें आपको एक जीवन आत्मा के बारे में बताना है जिसकी अंत की तारीख नहीं पड़ी है, यही ना? आपको ये पता है? छल का संगीत सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि परीलोक में भी गूंजता है। और सुनो, मैं जल्द ही परीलोक आ रही हूँ उस जीवन आत्मा को हासिल कर। जल्दी आओ छल परी, कहीं ऐसा ना हो कि आपके आने से पहले विचित्र गुप्त उस जीवन आत्मा को जीवन लोक लेकर वापस चला जाए। ठीक है। जीवन आत्मा यहाँ आएगी क्योंकि विचित्र गुप्त परीलोक पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि परीलोक पहुंचने से पहले ही मैं विचित्र गुप्त का अपहरण कर लूंगी। क्यों, क्या हुआ? चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना। नहीं खेलना हमारे साथ बास्केटबॉल मैच? नहीं खेलना है। इसका मतलब है कि हम आपस में गेम खेलेंगे। ओए मोटू। मोटू नहीं, मोंटू। हाँ भाई, तू भी यहाँ खेलेगा? हाँ, और हम ही यहाँ खेलेंगे। अच्छा, इनकी बातों में मत आइए भैया, इन्हें तो हमेशा बेकार की बातें ही करने का आता है। हाँ, इन्हों किसी बेवकूफी की बातें सही से करना आता है। ओए गुब्बारे, अभी भी खेलना है कि निकल गई हवा? देखो, तुम मेरे स्टूडेंट्स के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। तो ठीक है, बात नहीं करते, मैच खेल लेते हैं, या फिर आप भी अपने स्टूडेंट्स की तरह फिसड्डी हैं? हाँ।
एक्सक्यूज मी सर, हमारे सर फिश अड्डी नहीं है। मेरा मतलब है कि हम फिश अड्डी है। नहीं, हम फिश अड्डी नहीं है। और हाँ, बालवीर कहता है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंडी का सर ना हमेशा नीचे होता है। हाँ, तो मना किसने किया है? करो ना हमारा सर नीचे, खेल लो हमारे साथ बास्केटबॉल मैच। अब ये खेलेंगे हमारे साथ? हाँ, हम भी खेलेंगे तुम्हारे साथ बास्केटबॉल मैच। हाँ खेलेंगे, लेकिन अगले साल। अरे इनकी तो खेलने से पहले ही हवा निकल गई। जाइए सर, जाइए अपनी टीम के साथ खिलौनों से खेलिए। देखिए, हम किसी से डरते नहीं है, ये मुकाबला ठीक नहीं है। आपके स्टूडेंट से मेरे स्टूडेंट्स काफी छोटे हैं। तो सर आप एक काम क्यों नहीं कर रहे, अपने इन छोटे छोटे बच्चों से कहिए कि बड़े बड़े बच्चों की बात माने और यहाँ से खिसकिए। बस खिसकोगे तो आप सब यहाँ से। और हाँ, आप क्या कह रहे थे? बास्केटबॉल मैच खेलना? ओके, हमें ये चैलेंज मंजूर है। हम खेलेंगे आपके बच्चों के साथ बास्केटबॉल मैच, लेकिन अगले महीने, अगले हफ्ते। ठीक है, संडे को। ठीक है, हमें मंजूर है, मिलते हैं संडे को। कौन हो तुम? विचित्रगुप्त? क्या विचित्रगुप्त? तो मैं हूं, मैं वो विचित्रगुप्त। विचित्रगुप्त मैं हूं। तुम कोई बहरूपी हो और तुमने मेरा फेस क्यों लिया और तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? चल 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 चल। स्वागत है तुम्हारा। चल परी, तुम तो ये सब तुम दोनों ने किया है। हाँ, ये छल के सुरों का छल। और ये है तुम्हारे रूप में तौबा तौबा। तुम ये सब क्यों कर रही हो और मुझे यहां लाकर तुम्हें क्या फायदा होगा? हमने सोचा दिन रात तुम तीनों लोकों में जीवन आत्माएं बांटते बांटते थक, इसलिए कुछ दिनों के लिए तुम्हें पाताल लोक लाकर तुम्हारी मेहमान नवाजी की जाए, ताकि इस मेहमान नवाजी से खुश होकर तुम तोहफे में हमें कुछ बिना अंत की तारीख पड़ी हुई जीवन आत्माएं दे दो। ऐसा कभी नहीं होगा, ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। और तुमने जो अपहरण करने की गलती की है, मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। बेटर पर ही हुआ। ये तुम्हारा जीवन लोक नहीं है, बल्कि हमारा पाताल लोक। और यह वही होता है जो हम चाहते हैं। इसलिए अगर तुम हमें जीवन आत्मा नहीं भी दो,
तो भी हम तुम्हारा रूप लेकर परी लोक जाकर वो जीवन आत्मा ले ही आए। दगड़दुम दगड़दुम दगड़दुम, छल परी देर मत करिए, चलिए परी लोक। सही कहा गोबा गोबा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ सिर्फ तौबा तौबा विचित्र गुप्त के रूप में जाए और तुम भयंकर परी की मदद के लिए यहीं रुको। ठीक है दगड़ तुम। ऐसा कभी नहीं होगा छल परी, बालवीर के होते हुए तुम अपने गलत इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकती। वो तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा देगा और मुझे भी यहाँ से लेकर जाएगा। वैसे तो बालवीर तुम्हें इतने विशाल पाताल लोक में ढूंढ ही नहीं पाएगा, और अगर ढूंढ भी लिया तो तुम्हें क्या, वो खुद भी यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। चल चल ल ल ल चल चल ल चल ल। अलविदा। मानव, अरे बचाओ मुझे, मैं नीचे गिर जाऊंगा। हाँ मानव, हम कुछ करते हैं, तू घबरा मत। मैं घबराऊं नहीं तो क्या करूं? मानव, हम तुम्हें उतार लेंगे। हाँ तू तू एक काम कर, तू नीचे घुस जा। क्या? हाँ नीचे कूद जा, हम तुझे कैच कर लेंगे। चलो चलो चलो। एक मिनट। अरे केवल, अरे वो बोल है क्या कि हम लोग उसे कैच कर लेंगे? अगर कैच नहीं किया तो वो क्या, मेरी तो हड्डियां टूटेंगी और कुछ नहीं। नहीं मैं नीचे नहीं कूदूंगा, मैं नहीं कूदूंगा। मानव डर मत, क्योंकि तू एक काम कर, तू स्टोर रूम जा और एक चादर लेके आ जा। ठीक है। वाह सर, ये बात आपने एकदम सही कही है। वो क्या ना, उन पीटियों को टेंशन देते देते मैं थक गया था, उसे थोड़ा आराम कर लो। मोंटू, वो चद्दर मैंने तेरे बैठने के लिए नहीं मंगवाई है। तो? मैंने सोने के लिए मंगाई है। नहीं, हम सब उस चद्दर के चारों कोने पकड़ेंगे और फिर मानव उस पर जंप करेगा और हम उसे कैच कर लेंगे। हाँ हाँ ये सही आइडिया है। मोंटू पकड़। मानव हमने चद्दर पकड़ लिया है, अब तो कूद जा। पक्का ना? मैं नहीं गिरूंगा ना। अरे नहीं गिरेगा, सब लोग इसे जोर से पकड़ो और खींचो। शाबाश, और सब जोर से खींचना ताकि ताकि मानव गिरे नहीं। जोर लगा के खींचो। बचाओ मुझे प्लीज, कोई बचाओ। मानव तू डर मत, मैं कुछ करता हूँ। मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। हम उतार लेंगे तुझे। अरे ये मोटे, अरे मेरी, अरे ये सीढ़ी लाया, मेरी सीढ़ी लाया। पहले मेरा कलर लेके गया, अभी सीढ़ी लेके गया। अरे मोटू जल्दी, मोटू जल्दी, मोटू जल्दी ला। बेवकूफ भाई को उठो। अरे बेवकूफो, चलो मोंटू। अरे बस उसको गेट खोलने दो। हाँ खोल। पीछे पीछे। अरे उसे बंद तो करो। हाँ बस खोल। हाँ खोल। हाँ खोल। बेवकूफ, भगवान ने दिमाग दिया तो भी यूज़ नहीं करते। चलो। जल्दी लाओ मोंटू, जल्दी लाओ। इधर रख उसे। हाँ इधर रख, नीचे रख इसको। मोंटू, यहाँ रख यहाँ। डर मत ना, आगे आराम से धीरे से। हाँ नहीं, विचित्र गुप्त जी अपनी जीवन आत्मा लेने अभी तक आए क्यों नहीं? हाँ बालवीर, अब तो हमें भी चिंता हो रही है।
करो चिंता और चिंता करो बालपरी, क्योंकि इस जीवन आत्मा को लेने विचित्र गुप्त से पहले छल परी आएगी। छल परी, छल परी, लेकिन वो अभी तक आई क्यों नहीं? कहाँ है छल परी? तौबा 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 तौबा, क्या कर रहे हो तुम? जितने बड़े बाल, जितनी बड़ी ये दाढ़ी, उतना ही बड़ा ये शरीर, छुपा भी नहीं सकता इसे। जाओ और उस जीवन आत्मा को मेरे पास लेकर आओ। ठीक है, लेकिन कहीं पकड़ा गया तो वो लोग कैद कर लेंगे। और अगर नहीं गए तो तुम्हारा अंत मैं कर दूंगी। तौबा तौबा, ठीक से चलो। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई, अब करे तो करे क्या तौबा भाई? तौबा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शाबाश चल परी, तो चलो मेरे साथ। तौबा तौबा, मेरा मतलब है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अगर मैं भयंकर परी को अताप ब्रह्मांड के चक्रव्यूह से बचा सकती हूँ, तो फिर तुम्हें उन भोली परियों से तो बचा ही लोगी। पक्का? हाँ, अब जाओ। खुश रहो बालवीर, खुश रहो, खुश रहो परियों, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। ये क्या, विचित्र गुप्त जी तो आ गए जीवन आत्मा को लेने के लिए, पर छल परी क्यों नहीं आई अभी तक? हो ना हो, छल परी कोई चाल जरूर चल रही है। हम सब आप ही का इंतजार कर रहे थे विचित्र गुप्त जी। विचित्र गुप्त जी, हमने कहा कि हम सब आप ही का इंतजार कर रहे थे। क्यों? क्यों नहीं, मैं भी इसी पल का इंतजार कर रहा था। तो फिर अब देर किस बात? बालवीर, इनकी अमानत इनको लौटा दो, है ना? विचित्र गुप्त जी, आपको आपकी अमानत दे देना। अमानत? कौन सी अमानत? आपकी जीवन आत्मा। हाँ, आप वही लेने आए हैं ना? हाँ, हाँ, वही तो लेने आया हूँ, जीवन आत्मा ही तो लेने आया हूँ। पर आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? नहीं नहीं, परेशान नहीं, थोड़ा डरा हुआ हूँ। क्या? वो तो वो हमेशा उल्टे गीत गाता है ये। किस स्थिति में कौन सा गीत गाना है ऐसे कुछ समझ नहीं आता। आप डरे हुए हैं, मगर किससे? तुम लोगों से। हाँ, किससे? मतलब कि डरा हुआ था जब वो जीवन लोक से वो आत्मा भाग गई थी ना, तो बहुत डरा हुआ था, लेकिन अभी आप लोगों ने ठीक कर दिया। हम आपका डर समझ सकते हैं विचित्र गुप्त जी। बालवीर, अब जल्द से जल्द इनकी जीवन आत्मा इनको लौटा दो। हाँ माँ। डुबा डुबाए वो जीवन आत्मा मुझे दे दो। विचित्र गुप्त जी, खुश रहिए। ये बार बार उस तरफ क्यों देख रहे हैं? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ ना कुछ तो है। विचित्र गुप्त जी, डुबा डुबा एक जीवन लोक। हाँ 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 हाँ, बालवीर दो, जल्दी दो। हाँ विचित्र गुप्त जी। रुको बालवीर। नटखट परी, कहीं नटखट परी को संदेह तो नहीं हो गया बाबा बाबा पर? विचित्र गुप्त जी, आप ये जीवन आत्मा नहीं ले जा सकते।
क्यों? क्या हुआ ढटखट परी? क्योंकि आपके पास इसे ले जाने के लिए कोई संदूक या पिंजरा तो है ही नहीं, फिर आप इसे सुरक्षित वापस कैसे ले जाएंगे? बस इतनी सी बात, मुझे लगा कि आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं अब तक। मेरा हाथी पिंजरा है, एक बार मेरे हाथ में आ गया तो बस कैद ही समझो। बालवीर दो 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 हो गया काम, गई नील जीवन आत्मा। तो बालवीर तो तुम ये जीवन आत्मा नहीं दे रहे हमें, बल्कि अपना और परियों के अंत का हथियार दे रहे हो। अरे डुपा डुपा एक, ये क्या कर रहे हो आप? हूँ मैं नाराज आपसे विचित्र गुप्त जी। जब गया था मैं जीवन लोक तो किया था इन्होंने मेरा स्वागत एक मित्र की तरह, और अब यहाँ नहीं देखा इन्होंने मेरी तरफ एक बार भी। बस इतनी सी बात। अब तो मैंने तुम्हें देख लिया, वो जीवन आत्मा मुझे दे दो। ये आंखें है नहीं विचित्र गुप्त जी की, क्योंकि थी उनकी आंखें तो काली, पर अब है ये नीली, और लगता है कि मैंने देखी ये आंखें पहले भी कहीं। किसकी किसकी? डुबा एक, किस सोच में पड़ गए? तुम जीवन आत्मा मुझे दे दो, मुझे भी जाना है। हाँ, जीवन आत्मा? नहीं नहीं नहीं, ले जाने दूंगा मैं नहीं इसे। हाँ, ये मेरा मित्र, और जाने नहीं दूंगा मैं अपने मित्र को। डूबा डूबा एक, मजाक बंद करो और वापस करो जीवन आत्मा। नहीं नहीं नहीं, होना चाहता मैं अपने मित्र से अलग। लगता है ये डूबा डूबा एक बिगाड़ देगा हमारा सारा खेल। तुम्हारी आँख क्यों फड़क रही है? हाँ, है लगता गया कुछ मेरी आँख में। बालवीर जरा देखो तो। हाँ, देखो। अब देख रहा हूँ, अब उधर देखो। क्या हुआ? बालवीर, है नहीं मेरी आंखों में कुछ, सुनो गौर से, है नहीं वो विचित्र रूप, बल्कि उनके रूप में है मेरा भाई पापा। पापा क्या? कर कैसे? डुबा डुबा एक, ये तुम्हारे लिए उपहार। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। वाह, धन्यवाद विचित्र गुप्त जी। ये उपहार तो है दिखने में बहुत सुंदर, लेकिन सच कहूं है आपकी आंखें अति सुंदर। धन्यवाद। बुरा यकीन है कि वो आंखें तौबा तौबा की है। है वो मेरा भाई, जानने में उसे मैं कभी गलती नहीं कर सकता। ठीक है, हम सच का पता लगाएंगे, लेकिन अपने तरीके से। जाओ तुम। विचित्र गुप्त जी, आप एक काम कीजिए, आपकी जीवन आत्मा को डुबा डुबा एक के पास ही छोड़ दीजिए, उसका मित्र है ना, इसलिए। ये क्या बात हुई बालवीर? हाँ, आपको पता है ना बालवीर, जीवन आत्मा का वापस जीवन लोक जाना कितना जरूरी है। हाँ, मैं जानता हूँ अटकाती परी, लेकिन मैं क्या करूँ? जितना दुख डुबा डुबा एक को जीवन आत्मा से बिछड़ कर हो रहा है, उतनी खुशी विचित्र गुप्त जी को नहीं हो रही है जीवन आत्मा मिलने पर। नहीं नहीं बालवीर, मैं बहुत खुश हूँ। देखो देखो,
देखो मैं कितना खुश हूँ। नहीं, सिर्फ फंसना काफी नहीं है। बालवीर, ये सब क्या हो रहा है? मैं सच का साथ दे रहा हूँ माँ। अगर विचित्र गुप्त जी को आत्मा मिलने की खुशी होती तो हमेशा की तरह उनकी आंखों में खुशी के आंसू होते। नहीं नहीं, है ना मेरे आंखें में आंसू, देखो 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 चित्रगुप्त जी, दिखे आपके आंसू, लेकिन ये आंसू काले क्यों हैं? क्यों? तोबा तोबा। हाँ डुबा डुबा। देखा? है ये मेरा जुड़वा भाई, तोबा तोबा। तोबा तोबा? इस बेवकूफ तोबा तोबा ने तो पूरा खेल बिगाड़ दिया। परियो, ये विचित्रगुप्त जी नहीं है, तोबा तोबा है। कैद कर लो इसे। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बाबूजी, अरे बाबूजी मुझे दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। अरे मैं कमजोर नहीं। संभाला। धीरे धीरे। अरे ये सितार, तबला, ढोलक, हारमोनियम, इन सब का क्या करेंगे? खाऊंगा। हाँ? अरे ये सब वाजिंत्र है, इसे बजाऊंगा। मुझे पता चला है कि गाने के साथ बजाना भी जरूरी है। लो, अभी तक बापूजी का गाना सहना पड़ता था, अब उनका बजाना भी सहना पड़ेगा। क्या? सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, ये कह रहा है ना? हाँ बोलो। हाँ बोलो बोलो, क्या सुनोगे? रेडियो। बाबूजी रेडियो पे न्यूज आते हैं ना, आप रोज न्यूज सुनते हैं ना? चलो हम सब मिलके रेडियो सुनते हैं, चलो। अरे मेरे कहने का मतलब है कि संगीत में क्या सुनोगे, सुनो अब। मत गाइए, मत गाइए। हाँ बाबूजी, बच्चे डर जाएंगे। क्या हुआ मानव है, तुम लोग के चेहरे क्यों उतरे हुए? लगता है तुम्हारे बापूजी का गाना सुन लिया होगा, इसलिए कहा था कि मत गाइए। नहीं दादी, हम दादाजी के गाने की वजह से नहीं बल्कि बास्केटबॉल के मैच की वजह से परेशान हैं। ओहो बच्चों, तुम लोग परेशान हो, तुम्हारी परेशानी दूर कर देता हूँ, अब एक खुशी का राग गाता हूँ, देखो। क्यों नहीं, क्यों नहीं बापूजी, आप चाहे तो सुना सकते हैं। आपको चाहिए तो मैं बाहर से ऑडियंस लेके आता हूँ और लोगों को बुलाता हूँ, लेकिन बापूजी बच्चों की बात सुन ले। हाँ बेटा, बास्केटबॉल मैच से परेशान होने वाली क्या बात है? अब हमने चैलेंज तो ले लिया है, लेकिन उन बड़े बच्चों के साथ हम जीतेंगे कैसे? बेटा हिम्मत मत हारो, क्योंकि जिंदगी में अगर कोई चीज ठान लो तो वो असंभव नहीं है। असंभव है क्या? तुम्हारे दादाजी का सुर में गाना बजाना? नहीं, बास्केटबॉल मैच जीतना। हाँ तो फिर कैंसल। क्या बापूजी का गाना गाना? ए बच्चों का बास्केटबॉल मैच मुश्किल है। क्या बच्चों का मैच जीतना? नहीं, तुम्हारे बापूजी का सुर में गाना बजाना। अरे बस बस, बहुत हो गया, बहुत हो गया। आप लोग ये क्यों भूल रहे हो कि हम लोग सात सच्चों के डगली परिवार से हैं। हम लोग एक बार कदम आगे बढ़ाते हैं तो गिर सकते हैं, लेकिन पीछे नहीं जा सकते। मतलब नहीं जा सकते? हाँ नहीं, बापूजी के गाने से हमें तकलीफ होती हो। बापूजी, बापूजी, माँ का कहना ये है कि भले ही आपका गाना हमें उतना आनंद न देता हो, लेकिन बापूजी इस उम्र में भी आप कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा
बापूजी से ये सीखने की जरूरत है, अरे लड़ो उन बड़े बच्चों के साथ, मैच खेलो और दिलो जान से जीतने की कोशिश करो। हाँ बेटा, हिम्मत हार कर बैठे रहने से तो हार पक्की है, लेकिन दिल से कोशिश करो कि कोशिशें अक्सर कामयाब होती है। हाँ माँ, अब हम ये बास्केटबॉल मैच जीतने की पूरी कोशिश करेंगे और खूब सारी मेहनत भी करेंगे। यस, शाबाश। ये हुई ना बात। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब तुम्हारी तरह मैं भी संगीत सीखने की पूरी कोशिश करूंगा, उसकी प्रैक्टिस करूंगा, सुबह दोपहर शाम रात बस प्रैक्टिस करते ही रहूंगा, प्रैक्टिस करते ही रहूंगा। ये तो अच्छा है कि डुबा डुबा एक को सही समय पर तौबा तौबा पर संदेह हो गए, वरना अगर ये बिना अंत की तारीख पड़ी जीवन आत्मा उसके हाथ लग जाती तो अनर्थ हो जाता। हाँ नटखट परी, पर इसके साथ साथ हमें ये भी सोचना चाहिए कि छल परी को पता कैसे चला यहाँ परीलोक में जीवन आत्मा है। हो सकता है कि वो जीवन आत्मा का पीछा करते हुए यहाँ परीलोक में आ गई हो। वजह जो भी हो, छलपरी को हमसे छल करने की सजा जरूर मिलेगी। नहीं परी, हमें सबसे पहले विचित्र गुप्त जी की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। बालवीर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस समय हमारा आक्रमण करना यानी विचित्र गुप्त जी को खतरे में डालने जैसा होगा। तो हमें आगे करना क्या चाहिए बालपरी? हमें सबसे पहले जीवन आत्मा को किसी ऐसे सुरक्षित स्थान पर छुपाना होगा जहाँ पे छलपरी और उसके बुरे इरादे कभी ना पहुँच सके। ऐसा कौन सा सुरक्षित स्थान हो सकता है? पृथ्वी लोक। हाँ बाल, तुम्हें जीवन आत्मा को पृथ्वी लोक ले जाना चाहिए ताकि अगर छल परी दोबारा परीलोक आए भी तो भी वो जीवन आत्मा तक ना पहुंच पाए। हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। बालवीर, पृथ्वी लोक पर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ तुम इसे छुपा सकते हो, क्योंकि भयंकर परी की पहुंच से तो पृथ्वी लोक भी दूर नहीं है ना। मैं जानता हूँ, और मैं जीवन आत्मा को पृथ्वी लोक में। रुकिए बालवीर, जीवन आत्मा को आप कहाँ ले जाएंगे, कहाँ छिपाएंगे, किसके पास छिपाएंगे, ये सारे फैसले हम सिर्फ आप पर छोड़ते हैं। जीवन आत्मा की सुरक्षा के लिए इन सारी बातों की जानकारी सिर्फ और सिर्फ आप तक ही सीमित रहनी चाहिए और किसी को भी इस बात का पता नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, मैं जल्द से जल्द जीवन आत्मा को पृथ्वी लोक पे सुरक्षित करके आता और फिर हम सब विचित्र गुप्त जी को ढूंढने चलेंगे। ले जाओ बालवीर, लेकिन तुम्हारे जाते ही मैं ये बात भी भयंकर परी और छल परी को बता दूंगी। ले जाओ। माँ मैं कैसे रोकूं इनको? अरे कोई तो गाना बंद करो। ये सारी गलती इस बेवकूफ तौबा तौबा की है। इतनी आसानी से उन परियों के सुर में बह गया ये कि अपने सुरताल भूल गया, वरना आज वो जीवन आत्मा हमारे कब्जे में होती।
मैंने पहले ही कहा था कि बालवीर तुम्हारे गलत इरादों को कभी कामयाब होने नहीं देगा। अब भी समय, मुझे यहां से जाने दो। मैं बालवीर से कहूंगा कि वो तुम्हारी गलतियों को माफ कर दे। हमारी नहीं, अपनी सजा की फिक्र करो विचित्रगुप्त। दगड़दुम 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 दगड़दुम। बाबा ये क्या कर रहे हो? ये जादुई कुंड, कोई तो हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। देखने के लिए जादुई कुंड में अब तो करना ही होगा आपको मुझे सीधा। चल परे करो मुझे सीधा, चलो। हाय लगेगी आपको मेरी हाय। तौबा तौबा, जादुई कुंड चलिए चलिए। भयंकर परी, भयंकर परी। आज है ये मेरा मनहूस दिन, देख ली इसकी शक्ल मैंने। बोलो। बोलने का समय, बोलने का समय तो गया भयंकर परी। कुछ कीजिए, कीजिए कुछ, वरना वो जीवन आत्मा वो भी आपके हाथ से निकल जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं जल्द ही उस जीवन आत्मा को परीलोक से लाने की कोई ना कोई धुन बना ही लूंगी। चल परी, तुम धुन ही बनाती रहना, ठीक है? और तब तक वो बालवीर उस जीवन आत्मा को पृथ्वी लोक में एक ऐसी सुरक्षित जगह पे छुपा देगा जिसे तुम कभी ढूंढ भी नहीं पाओगे। पृथ्वीलोक? पृथ्वीलोक पर वो जीवन आत्मा को कहाँ छुपा रहा है? वो तो मुझे नहीं मालूम, पर हाँ एक बार उस जीवन आत्मा को छुपाने के बाद वो लोग विचित्र गुप्त को भी ढूंढने निकल जाएंगे और आप तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। इसलिए भयंकर बल, आपको जो भी करना है जल्द कीजिए। इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गई? अरे बालवीर, तुम यहाँ? और अभी? हाँ मैं, और मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। ठीक है, मैं अभी मानव को जगाती हूँ। मानव, मानव उठ जा, उठ जा मानव। अरे थोड़ी देर सोने देना, इतनी जल्दी क्यों उठा रही है? और अभी तक तो अलार्म भी नहीं बजा है। मुझे पता है अलार्म नहीं बजा है, लेकिन बालवीर आया है, उठ जा। अलार्म बजाने? नहीं, तुझ पे पानी डालने। नहीं, नहीं। कुछ दिखाई नहीं दे रहा मेरे। ये ले चश्मा। बालवीर तुम यहाँ? मेहर, तूने आधी रात को बालवीर को क्यों बुलाया? मानव, मैंने मुझे नहीं बुलाया है, बल्कि मैं खुद यहाँ आया हूँ। मुझे तुम दोनों की मदद की जरूरत है। हाँ बालवीर बोलो। मैं चाहता हूँ कि मेरा एक दोस्त कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ रहे। हाँ हाँ क्यों नहीं, देखो तुम हमारे दोस्त हुए तो तुम्हारा दोस्त हमारा दोस्त हुआ ना। वैसे तुम्हारा दोस्त है कहाँ? हाँ बालवीर, तुम्हारा ये दोस्त थोड़ा अजीब नहीं है? ऐसा समझो कि ये मेरे किसी और लोग का दोस्त है। मैं ये चाहता हूँ कि ये तुम्हारे साथ रहे और इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, हमारे परिवार वालों को भी नहीं, वरना ये और हम सब मुसीबत में पड़ सकते हैं। ठीक है बालवीर, जैसा तुम चाहते हो हम वो ही करेंगे। ठीक है, तो आज से ये तुम्हारे साथ रहेगा। तुम जानते हो कि मैं विचित्र गुप्त जी को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ और तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं तुम्हें अपने दोस्त मानो महर के साथ छोड़ रहा हूँ।
लेकिन इस विश्वास पे कि आज के बाद तुम कोई शैतानी नहीं करोगे, मानो मेहर का साथ दोगे, उनकी हर बात मानोगे और उन्हें परेशान बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है? अच्छा बच्चा बन के रहूंगा बालवीर, मैं वादा करता हूँ। बहुत अच्छे। मानो मेहर, इसका ख्याल रखना क्योंकि ये हमारे लिए बहुत खास है। ठीक है बालवीर, अब मैं चलता हूँ। चल मेहर, सोने चलते हैं। अपने सोने का प्रोग्राम बना लिया, इसका क्या? हाँ सॉरी मेहर, अब दोस्ती की है तो निभानी भी तो पड़ेगी। चल अब इसके लिए बेड बनाते हैं। अरे हाँ, चल चल चल, चल। आओ, ये है तुम्हारा बेड। अरे पर अब इसे कहाँ रखे? हाँ वहां रखते हैं, वहां इसे कोई नहीं देख पाएगा। ये है तुम्हारी जगह। गुड नाइट, आराम से सोना। बाय बाय।